नमस्ते दोस्तों, आज जो है हम अपनी आगे सीरीज बढ़ाते हुए, क्योंकि अभी तक हमने जो है सुपरविजन टिप्स जो वीडियो देखा है उसमें वाइंडिंग में हमने एक वीडियो देखा, उसके बाद रिंग फ्रेम में देखा, देन स्पीड फ्रेम में देखा, देन वी हैव सीन इन ड्रॉ फ्रेम डिपार्टमेंट आल्सो। सो टुडे वी विल डिस्कस द सुपरविजन टिप्स पर्टिकुलरली इन कॉम्बो डिपार्टमेंट। तो कॉम्बो जो है ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो ऑप्शनल है, जो ज्यादातर मिलों में नहीं दिखाई देता, और ये स्पेशल टाइप ऑफ जो है धागा बनाने के लिए यूज होता है, जहाँ पे हमें सफाई चाहिए। पर्टिकुलरली सुपर कॉम, आपने जो है धागे देखे होंगे, स्विंग थ्रेड जो है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं, तो स्पेशल एंड में ये यूज होता है। नाउ बिफोर गोइंग फॉर द टिप्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्बर का ऑब्जेक्ट क्या है। कॉम्बर का जो पहला ऑब्जेक्ट है कि शॉर्ट फाइबर्स रिमूव करना। शॉर्ट फाइबर्स रिमूव हो जाएंगे तो मटेरियल इवन बनेगा। दूसरा हमने ये देखा जो है इसका कि जो टू मेक द फाइबर्स पैरेलाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्लाइवर, तो उससे जो है मतलब एक स्ट्रॉन्गर यार्न बना हमें बनता है, क्योंकि अगर पैरेलाइज होगा लस्ट्रस ज्यादा होगा। और एक साथ जो है इसके अंदर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट रिमूव्स द नेप्स एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मटेरियल आफ्टर कार्डिंग। और फोर्थ वन इज टू प्रोड्यूस ए क्लीनर एंड फाइनर यार्न। अब इन चीजों को देखते हुए हमें ये पता हम करेंगे कि भाई क्या क्या चीज, एक सुपरवाइजर जो है उसका काम क्या है। अब सुपरवाइजर जो है नेचुरल है कि प्रोडक्शन इंप्रूव करना, क्वालिटी इंप्रूव करना, जो मैन है उसका प्रॉपर यूटिलाइज करना, वेस्ट कम से कम बनाना, और जो भी हमारा जो मटेरियल है वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट के अंदर बढ़िया ढंग से चले। तो व्हेन एवर यू वी आर टेकिंग ए राउंड, फर्स्ट पॉइंट इज हाफ एन आवर अर्ली आए, जैसे हम सब लोगों से बात करते हैं, और आउट गोइंग चलते हुए द पर्सन शुड सी जो फॉलोइंग डिफेक्ट्स जो है उनको देखना चाहिए, जैसे कहीं कटिंग तो नहीं आ रही वेब के अंदर, कर्लिंग तो नहीं हो रहा, कॉटन एक हेड से ऐसा तो नहीं है कि एक हेड में कॉटन ही नहीं आ रही है, डिटैच रोल में लैपिंग तो नहीं हो रही है, इरेगुलर ड्रॉबैक स्लाइवर तो नहीं आ रहा, हाफ लैप या टॉप कॉम जो है वो लोडेड तो नहीं है, कैन ओवरफिट तो नहीं है, कॉइलिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही, जो लॉट मिक्स की शिकायत तो नहीं है, कास्टर क्लीनिंग है या नहीं है, और वेस्ट जो है और जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वेस्ट जो लैप है वो खत्म होने से पहले ही हमने जो है चेंज कर दिया जिससे लैप एंड्स की शिकायत है, और पीसिंग जो है वो सही है या नहीं है, और वर्कर जो है उसने पीचर बैग पहना हुआ है कि नहीं। इसके अलावा जो एक सुपरवाइजर है उसको कभी भी जब वो राउंड ले तो ही शुड चेक द सर्टन थिंग्स इन द मशीन। जैसे अगर हम स्लाइवर लैप एंड रिबन लैप की बात करेंगे तो एक तो स्लाइवर लैब में जो एंड्स हैं, कितने एंड्स जो है स्लाइवर के काम कर रहे हैं, स्टॉप मोशन काम कर रही है कि नहीं, क्रीलिंग ऑफ कैंस इन स्लाइवर लैब जो है वो भी हमें चेक करनी चाहिए, और रिबन लैब के अंदर कितने कॉम्बर के अंदर जो है कितने रिबन लैब के लैब चल रहे हैं, स्लाइवर लैब में कट तो नहीं आ रहा, प्रेशर सही चल रहा है कि नहीं, और मशीन जो है उसकी जनरल क्लीनिंग है कि नहीं है। साथ ही साथ कलर कोड या रेंडमाइजेशन जो हम फॉलो कर रहे हैं वो उसी हिसाब से जो है कैंस मशीन के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कॉम्बिंग के अंदर ये ध्यान है कि अगर कोई हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन है लॉग बुक के अंदर मिक्सिंग चेंज की, तो हमें अपने पर्सनली चेक करनी चाहिए। जब भी हम कभी भी लॉट चेंज या हम करें तो लॉट चेंज में ये ध्यान रखना है कि मशीन प्रॉपर्ली साफ होनी चाहिए, और जो कैंस हैं
उनके अंदर पुराना लॉट का मटेरियल नहीं होना चाहिए। ज्यादातर ये आप पाएंगे कि जो कैंस को अगर आप कवर को हटाएंगे ऊपर खोलेंगे तो नीचे जो है वो पुराने लॉट के जो है मटेरियल पड़ा होता है, विच इज नॉट कंटेमिनेशन जो है इससे आ सकता है। और जब भी मिक्सिंग चेंज हो या लैप या कोई ब्रेक डाउन होने के बाद अगर आप मशीन स्टार्ट करते हैं तो रैपिंग और नॉइल की स्टडी जो है वो जरूर कर दें, और साथ ही साथ स्टॉप मोशंस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। वेब डिफेक्ट्स का हमने अभी डिस्कस किया, कौन कौन से कट आ रहा है या कर्लिंग आ रही है या वेस्ट जो है वो उसमें आ रहा है फ्लफ एंड फ्लाई का, वो ध्यान में रखना चाहिए। और लैप मार्किंग अगर देते हो तो लैप पे मार्किंग होनी चाहिए, और जनरल हम जो है इन चीजों का ध्यान थोड़ा रखना चाहिए। साथ ही साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इन द कॉम्बो, वैसे तो वो सभी विभाग में जरूरी है मगर यहाँ पे अगर कॉम्बिंग अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी सही नहीं है तो लैपिंग होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, और इन्हीं के साथ हम नेक्स्ट सीरीज के साथ दैट इज द कार्डिंग में आपके आगे हम दोबारा आएंगे। धन्यवाद।